to you. We are going back to the Delhi Assembly where Manish Sisodia is speaking. Let's take a look. थोड़े दिन पहले से, तीन चार दिन पहले से स्कूल चिल्लाने लग रहे हैं. स्कूल में क्या कह रहे हैं? बोले केजरीवाल जी ने पहली मीटिंग में कहा था 4000 कमरे बनाएंगे, 8000 कमरे क्यों बनवा दिए? भ्रष्टाचार कर दिया. अरे हमने तो 8000 नहीं 20000 कमरे बनवाए हैं और हमें फक्र है कि हमने बनवाए. और लाना था तुम लोगों पर जो सोचते हो स्कूल बनवाना और कमरे बनवाना भ्रष्टाचार है. 8000 कमरे बनवा दिए. बोले जी 8000 क्यों बनवाए? 4000 बनवाने चाहिए थे, ये तो भ्रष्टाचार है. फिर बोले जी टॉयलेट ज्यादा क्यों बनवा दिए? बोले पहली फ्लोर पे टॉयलेट था, दूसरी पे क्यों था, तीसरी और चौथी मंजिल चलो बना भी ली तो उस पर टॉयलेट क्यों बनवा दिए? ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है. ज्यादा टॉयलेट बनवाना भ्रष्टाचार है, ज्यादा कमरे कहने भ्रष्टाचार है. सारी चीजों के जवाब है, सारी चीजों के जवाब है. फिर जब वो भी नहीं चला तो कल इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं के एलजी है, इन्हीं के समय एलजी साहब की तरफ से एक फरमान जारी किया, बच्चे कम हो गए ये भ्रष्टाचार है. बोले स्कूल में बच्चे कम हो गए, बजट बढ़ रहा है. अरे बजट बढ़ा रहे हम फक्र के साथ कहते हैं. और ये विधानसभा शायद देश की पहली आजादी के इतिहास में 75 साल में पहली विधानसभा है जो पिछले 7 साल से अपने बजट का 25% बजट एजुकेशन पर देख चुकी है. इस विधानसभा के विपक्ष वाले भी कहते हैं कि जी बहुत गर्व है कि हम एजुकेशन पे इतना बजट पास करके देते हैं. कहते हैं बजट ज्यादा कर दिया, भ्रष्टाचार हो गया. फिर बोले नहीं नहीं बजट तो चलो ठीक है ज्यादा कर दिया, बच्चे कम हो गए. मैंने कहा यार जरा डेटा दिखाना मुझको. भारत सरकार की वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 2014-15 में यहां 14.5 लाख बच्चे होते थे दिल्ली के स्कूलों में, आज 18 लाख बच्चे हो गए. सारा डिटेल भारत सरकार की वेबसाइट पे. हवा में से कुछ लाते हैं फिर कहते हैं प्रश्नों के जवाब दीजिए. अब झूठ के पैर हैं क्या? आपके झूठ का भी जवाब दिया हमने कि झूठ बोल रहे हो. मैं कहना चाहता हूं कि आपने खूब रेड मचाई मेरे घर में, खूब तमाशा किया. आपकी सीबीआई के भी सारे प्रश्नों के जवाब दिए. आप सीबीआई से पूछ लो, आपको मेरे प्रश्नों के जवाब मेरे उससे मिले हों. मैंने बता दिया कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं है और सब बकवास है, सब झूठ है. फिर भी रोज खड़े होकर कहते हैं जवाब दो. हमने तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया, अब आप हमें जवाब दो. ये सदन कल से पूछ रहा है बार बार, इस सदन में बार बार उठ रहा है, देश में पूरा सवाल उठ रहा है. मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही पे भी जीएसटी लगा के इतना पैसा सरकार में कमवाया, आम जनता से इतना पैसा लिया प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही जैसी चीजों पे भी, बिस्किट पे जीएसटी लगा के, आम आदमी के चाय बिस्किट पे भी जीएसटी लगा के जितना पैसा कमाया उसको अपने दोस्तों के कर्ज माफी करने में क्यों लगाया, इसका जवाब दो. ये देश इस हालत में क्यों पहुंच गया कि दूध दही और चाय और बिस्किट पे भी जीएसटी लगेगा और उस जीएसटी से इकट्ठा पैसा प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्ज माफी में इस्तेमाल होगा, ये क्यों हुआ, इसकी सीबीआई जांच करो, इसका जवाब दो. कि लोगों के दूध दही चाय बिस्किट पे टैक्स लगा के इकट्ठा किया गया जीएसटी का पैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों के कर्ज माफी पे क्यों खर्च किया, इसका जवाब दो. आज इसका जवाब दो. हमने तो आपके सवालों के जवाब बहुत दिए हैं. ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने किया. ऑपरेशन लोटस में पूरे देश में एमएलए खरीदे, हमारे यहां भी खरीदने की कोशिश नहीं की लेकिन बिके नहीं, लेकिन रेट पता चल गया. इसी रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने पे खर्च किए हैं. ये 6300 रुपए कहां से आया जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो. सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलए को बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया, इस बात का जवाब दो. ये 63,000 करोड़ रुपए कहां से आया, 6300 करोड़ रुपए कहां से आया? ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो जनता की लूट चल रही है और उससे एमएलए की खरीद हो रही है ना, अब जनता इस पे जवाब मांग रही है. इसका जवाब दो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जनता को लूट रहे हैं. एक आदमी स्कूटर भी चला रहा है, छोटी सी स्कूटी भी चला रहा है तो वहां भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और फिर एमएलए खरीद रहे हैं, इसका जवाब दो ये कहां से आया. और आखिरी चीज जो सदन पूछ रहा है पिछले 2 दिन से
कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी? उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? इस बात का सबूत तो ये है कि कभी किसने बोला, शायद यहां किसी साथी ने बोला कि कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे। जांच में कबूल किया है, लेकिन उनके खिलाफ ना सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ सीबीआई, ये मनी लॉन्ड्रिंग था, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग था नोटबंदी के दौरान। इस तरह का काम, 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम उछल रहा है, इनके खिलाफ सीबीआई की जांच कब होगी? इनके यहां ईडी की रेड कब होगी? इस बात का जवाब दो। तीन प्रश्नों के जवाब, ज्यादा नहीं पूछ रहा, आज मेरे तीन प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले, कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का, एमएलएज को खरीदने का, फाइव स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, ये सारा जवाब दो। ये सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे जो आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन तीन प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है, नहीं तो पॉलिटिकल स्टैंड को सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।